बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर कार से युवती को 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कंजावला युवती की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मृतक युवती के रास्ते का पता लगाया तो सामने आया कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की थी। उस हादसे में उसे हल्की चोट लगी थी। घटना के बाद वो घर चली गई थी, लेकिन मृतका का पैर कार में फंस गया। उसके बाद उसे आरोपी 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। मृतक के पैर कार के एक्सल में फंस गए थे। वहीं पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है और उसका बयान भी अब दर्ज किया जाएगा। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम आज तड़के कंजावला घटना की जांच के सिलसिले में जोंटी गांव पहुंची। यहां टीम ने घटनास्थल की जांच की और मौके का बारीकी से जायजा लिया। टीम का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह कर रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। दूसरी ओर सुल्तानपुरी थाना प्रभारी ने अपनी गाड़ी से हादसे वाले स्थान से लेकर शव मिलने वाली जगह की दूरी भी नापी है। तो इस केस में एक नया मोड़ आया है, सनसनीखेज खुलासा जो दिल्ली पुलिस ने किया है कि उस वक्त स्कूटी पर वो युवती अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और युवती भी थी, जिसे अब ट्रेस कर लिया गया है और उसके भी बयान दर्ज होंगे।